इन द प्रीवियस लेक्चर्स गाइस, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो ये हमारा टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में जो ये सब्जेक्ट है, इसका फोर्थ यूनिट यूनिट नंबर 4 को हम लोग ने स्टार्ट किया था। नंबर 4 वाज इंडिकेटर्स एंड रिकॉर्डर्स। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहली चीज देखी थी, क्या वो थी हमारी, फर्स्ट थिंग वाज दैट वी सॉ वाज व्हाट इज एन डिवाइसेस, कि एन डिवाइसेस होते क्या है और टाइप्स ऑफ एन डिवाइसेस, दैट वाज एनालॉग, दूसरा था डिजिटल। ये कुछ हमने कुछ टाइप्स पर डिस्कशन किया था। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एंड डिवाइसेस में इतने ही डिवाइसेस हैं जो एंड डिवाइसेस हैं, इसके अलावा भी देर आर लॉट मेनी नंबर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल एंड डिवाइसेस जो कि हमारे साइंटिस्टों ने इन्वेंट किया है और जिससे कि हमारा मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर हो रहा है। दूसरा हमने जो स्टडी किया था वो था हमारा नंबर इंडिकेटिंग सिस्टम, इंडिकेटिंग सिस्टम। ठीक है, और जो तीसरा हमने चीजों को स्टडी किया था वो था हमारा निक्सी ट्यूब। निक्सी ट्यूब की जो हम लोग ने स्टडी किया था गाइस, निक्सी ट्यूब के अलावा हम लोग आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा एलसीडी। इसको क्या बोलते हैं, एलसीडी। देखिए ये जो एलसीडी है, एलसीडी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एज फार एज द न्यू टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, कि एलसीडी जो थे, एलसीडी का हम लोग देखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो था, कि हाउ इट वर्क और किस तरीके से लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले था हमारा, वो किस तरीके से सिस्टम में आया और उसमें कौन कौन से अलग अलग टाइप के फिल्टर्स थे जिसने बहुत सारी चीजों को, देखिए एलसीडी जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये थोड़ा सा इसको हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ और किसने इसके बारे में स्टार्ट किया। तो अगर ओरिजिन्स पे जाएं या इसकी हिस्ट्री पे जाएं, तो ये इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और जैसे कि हमको जोसेफ ए कैस्टिलियानो जो थे, लिक्विड गोल्ड में अपनी, या उनकी जो बुक थी लिक्विड गोल्ड, उसने उन्होंने बताया स्टोरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज एंड क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्री, उन्होंने बहुत इन डिटेल उसको बताया है। तो अगर मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में इसको चीजों को समझाऊं, तो 1888 की बात है ये, इन 1888। ठीक है, आज से करीबन करीबन कितने साल पहले की बात हुई, 12 प्लस 20, कितनी हो गई, 12 प्लस 100, 112, 112 प्लस 20, 132 साल पहले की बात, 132 years before, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच, फ्रेडरिच रेनिटाइजर। तो ये फ्रेडरिच रेनिटाइजर थे, इन्होंने एलसीडी के लिक्विड क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैरेट्स, दैट इज टू मेल्टिंग पॉइंट्स एंड जनरेशन ऑफ कलर्स को समझाया था। ठीक है ना, और चार्ल्स मैंग्विन ने पहला एक्सपेरिमेंट करके, चार्ल्स, इन्होंने क्या बताया था कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड दैट द लिक्विड क्रिस्टलाइन
नेचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैरेट्स। कैरेट्स मतलब गाजर से जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है हमारा लिक्विड क्रिस्टलाइन कोलेस्ट्रॉल जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसमें क्या लिक्विड क्रिस्टलाइन नेचर है, इस चीज को स्टडी करके इन्होंने बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम लिया। और 1911 चार्ल्स मैंग्विन इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया लिक्विड क्रिस्टल की दो प्लेट्स के बीच में कन्फाइन होके कैसे रह सकता है कि एक्सपेरिमेंटेड विथ लिक्विड क्रिस्टल्स कन्फाइंड बिटवीन द प्लेट्स की दो प्लेट्स अगर हम लोग बात करें, ये एक हमारा प्लेट है और एक और प्लेट हमारा इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैसे लिक्विड्स हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में छोटे छोटे फॉर्म में कैसे रह सकते हैं इसकी स्टडी हमारा चार्ल्स मैंग्विन ने की। फिर इन द ईयर इन द ईयर 1922 देखिए कैसे कैसे सिस्टम देखिए हिस्ट्री अपने को जानना है इस कारण जरूरी है कि कैसे किस टाइप से चीजें हुई। और जॉर्जस फिडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज जो है आर क्लासिफाइड ऑन थ्री टाइप्स से इनका क्लासिफिकेशन किया कि कैसे क्लास। पहला बोला निमेटिक्स एक है, दूसरा कहा उन्होंने सिमेटिक्स और तीसरा उन्होंने कहा कोलेस्ट्रिक्स। सो ये तीन टाइप से उन्होंने चीजों को देना चालू किया। लेकिन जो ये सारों ने थोड़ा 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 करके इन द ईयर 1927 के दशक में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वैसे वोलोड फ्रेडरिक्स, इन्होंने इलेक्ट्रिकली स्विच्ड लाइट वॉल्व को का निर्माण किया जिसको उन्होंने किया फ्रेडरिक्स ट्रांजिशन द एसेंशियल इफेक्ट ऑफ ऑल एलसीडी। मतलब उन्होंने जो इलेक्ट्रिकली स्विच्ड लाइट वॉल्व का इस्तेमाल का इन्वेंशन किया और उसको नाम दिया क्या उन्होंने उसका नाम दिया क्या फ्रेडरिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आप प्लीज थोड़ा सा इस चीज को देख के बोर मत होइएगा कि सर क्या क्या चीजों को ले रहे हैं, मेरे को बताना इस कारण जरूरी है कि कैसे ये सारे इन्वेंशंस डिस्कवरीज एलसीडी के फाइनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और किस तरीके से इन्होंने चीजों को प्रॉपरली समझाने की कोशिश की। ठीक है, कैसे एलसीडीज अभी भी
वर्क नहीं हुए, और मतलब कैसे ये सारे सारे क्रांतिकारी कदम चीजों को लेके आते गए। तो अगर हम लोग इतने डिटेल में जाएंगे तो शायद आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को डायरेक्टली उस साइंटिस्ट का नाम बताता हूँ जिन्होंने एक्चुअल एलसीडी का निर्माण किया। इसके पहले जो एलसीडी के पहले आप लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एलसीडी के पहले इसके पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो थी टीएफटी, जो कि आज तक एक्सिस्टेंस में है। बिकॉज अगर स्क्रीन की कॉस्टिंग को कम करना होता है तो एलसीडी से सस्ता होता है टीएफटी। लेकिन एलसीडी से भी अब एलसीडी का रिप्लेसमेंट आया एलईडी, एलईडी का रिप्लेसमेंट आया है हमारा ओएलईडी, फिर प्लाज्मा एंड एक्सेट्राज एक्सेट्राज। मतलब और ज्यादा डिफाइंड प्रॉपर वे में अब चीजें हमारी आनी चालू हो गई है, और धीरे धीरे बहुत सारे क्रांतिकारी कदम जो हैं हमारे आना चालू हो गए। ठीक है, और टीएफटी बेस्ड जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन लाया, और एलसीडी ऑल्दो बहुत पहले से डिवाइस हो गई थी, बट उसके अलावा जो उसकी जो सिस्टम था वो थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग को टाइम देना पड़ेगा। चलिए हम लोग अब डायरेक्टली एलसीडीज और एलईडी देखिए देखिए देयर आर टू थिंग्स, पहला है एलसीडी और दूसरा है एलईडी। हम लोग को ये दोनों चीजों से प्लीज गाइस कंफ्यूज, वी डू नॉट नीड टू बी कंफ्यूज्ड। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों एक ही टाइप की टेक्नोलॉजी है सर, एलसीडी और एलईडी। एग्जैक्टली रॉन्ग कि एलसीडी इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी और एलईडी इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। सो एलसीडी का फुल फॉर्म सबसे पहले देखेंगे तो ये है एल से, इसका मतलब होता है एल फॉर लाइट, सी का मतलब होता है क्रिस्टल, और ये है डिस्प्ले। सो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है ये है एलसीडी का फुल फॉर्म। जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है गाइस, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखें तो अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये क्या है, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले और अदर इलेक्ट्रॉनिकली मॉड्यूलेटेड ऑप्शनल डिवाइस और अदर इलेक्ट्रॉनिकली मॉड्यूलेटेड ऑप्शनल डिवाइस दैट यूजेस द लाइट मॉड्यूलेटेड that uses light modulating properties of liquid crystals combined with polarizers। ठीक है, मींस ये जो लिक्विड क्रिस्टल हैं, ये इनमें और एलईडी में क्या डिफरेंस है कि लिक्विड क्रिस्टल्स अपने से लाइट एमिट नहीं करते, इंस्टेड उसके लिए एक बैकलाइट रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसको लाइट देता है। ठीक है, मतलब
अगर हम लोग एलसीडी के बारे में देखें तो एलसीडी क्या है, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, या अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकली मॉड्यूलेटेड ऑप्शनल डिवाइस है जो कि लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज लिक्विड क्रिस्टल को कंबाइन करती है पोलराइजर के साथ। ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स है, लिक्विड, दूसरी ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि लिक्विड क्रिस्टल जो है, लिक्विड क्रिस्टल जो है, ये डू नॉट इमिट लाइट। जैसे कि मून, मून भी जो है वो खुद की लाइट इमिट नहीं करता, ठीक है, वो किससे सन लाइट लेता है, सन से। एग्जैक्टली सेम उसी प्रकार से लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है ये डायरेक्टली इमिट नहीं करते लाइट, इंस्टेड इसके इंस्टेड यूजिंग अ बैकलाइट, ये लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बैकलाइट का, या बोलेंगे तो रिफ्लेक्टर का, और रिफ्लेक्टर टू प्रोड्यूस इमेजेस इन कलर और मोड, इमेज इन कलर और मोनोक्रोम, ठीक है। सो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज हम बात कर रहे हैं कि खुद की लाइट नहीं लेते, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक बैकलाइट या रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि इमेज कलर या मोनोक्रोम फॉर्म में हम लोग को दिखे, ठीक है। जो एलसीडीज हैं ये डिस्प्ले आर्बिट्री इमेजेस के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर डिस्प्लेस की तो वो एक एलसीडी स्क्रीन होती है या और फिक्स्ड इमेजेस, ठीक है। ये तो आर्बिट्री इमेज के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का डिस्प्ले का एग्जांपल है, या अगर फिक्स्ड इमेज है जिसपे इंफॉर्मेशन कंटेंट कम है, जिसको कि हम लोग डिस्प्ले या हिडन या प्रीसेट कर सकते हैं वर्ड्स डिजिट्स को, जैसे सेवन सेगमेंट डिस्प्ले की बात करें या डिजिटल शॉक के फॉर्म में बात करें, तो ये क्या है, ये फिक्स्ड इमेजेस की बात होती है। ये दे यूज द सेम बेसिक टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट दैट आर्बिट्री इमेज आर मेड फ्रॉम अ मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल पिक्सल्स व्हाइल द अदर डिस्प्लेज हैव द लार्जर एलिमेंट। एलसीडीज कैन ईदर बी नॉर्मली ऑन पॉजिटिव और ऑफ नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द पोलराइजर अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ कैरेक्टर पॉजिटिव एलसीडी जो है हमारा एलसीडी विद अ बैकलाइट विल हैव बेटर लिटरिंग ऑन द बैकग्राउंड the backlight, and the character negative LCD will have a black background with the letters being on the same color as the backlight. Optical fibers are added into white on blue LCDs to give them their characteristic appearance. ठीक है, so अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से क्या क्या चीजें रहती है, तो there are six types of frames, जो छह frames होते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि किस type से ये frames रहते हैं। ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस टाइप से इनके फ्रेम्स होते हैं। जो पहला फ्रेम अगर हम लोग देखें, सो ये देखिए, ये पहला फ्रेम होंगे गाइस, ठीक है, ये तीसरा होगा हमारा,
इसमें 7 सेगमेंट डिस्प्लेस हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि एक मोनोक्रोम बैकग्राउंड क्रिएट किया है, लेटरिंग ब्लैक लेटरिंग हैविंग ये लेटरिंग इसमें है इन्वॉल्व। इसके साथ एक बैकलाइट है विल हैव बैकलाइट ऑन अ बैकग्राउंड दैट इज द लैक एंड अ कैरेक्टर नेगेटिव एलसीडी विल हैव अ ब्लैक बैकग्राउंड। इसमें देखिए ये जो डिस्प्ले होता है इस टाइप से, ये एक हो गया और ये हो गया गाइस, इस टाइप का एक सिस्टम है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है हमारा, देखिए ये जो शीट है उस शीट में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा प्रॉप इसमें हल्का सा शेडिंग है, अगर देखेंगे तो इसमें शेडिंग होती है। और जो लास्ट है वो हमारा इस टाइप से, ये हमारे 6 फ्रेम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 फ्रेम्स हमारे एलसीडी के फ्रेम्स होते हैं जो कि इनके बीच में हमारे लिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं। जो पहला है हमारा द फर्स्ट इज द पोलराइजिंग फिल्टर फिल्म। क्या है पोलराइजिंग फिल्टर फ्रेम जिसका विथ वर्टिकल एक्सिस है जिसमें टू पोलराइट इसको, ये सबसे पहला जो है ये लाइट को पोलराइज करता है। जो दूसरा है ये है ग्लास सबस्ट्रेट ITO, दूसरा है हमारा ग्लास सबस्ट्रेट ITO, ठीक है इलेक्ट्रोड्स इसको हम लोग बोलेंगे ITO इलेक्ट्रोड्स। अगर थोड़ा और डिटेल में हम लोग अगर एकदम प्रॉपर हम लोग बात करें तो ITO इलेक्ट्रोड्स इसको कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स के शेप को डिटरमाइन, द शेप्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोड्स विल डिटरमाइन शेप्स दैट विल अपीयर ऑन द एलसीडी व्हेन द एलसीडी इज स्विच्ड ऑन वर्टिकल रिच एज्ड सरफेस आर स्मूथ। देखिए ये जो है जो सेकेंड वाला जो पार्ट है ये हमारा ग्लास सबस्ट्रेट ITO इलेक्ट्रोड है, इसमें ये डिटरमाइन करेगा कि किस शेप को हम लोग को एलसीडी में डिस्क्राइब करना है। जो तीसरा है हमारा वो है ट्विस्टेड निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। जो थर्ड हमारा हमने दिखाया है वो है ये जो है ये ट्विस्टेड, देखिए ये जो है ये वाला जो पोर्श थर्ड है ये ट्विस्टेड इलेक्ट्रोनिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है। चौथा जो है हमारा वो है ग्लास सबस्ट्रेट विथ कॉमन ITO इलेक्ट्रोड फिल्म विथ हॉरिजॉन्टल। ये भी जो ग्लास इलेक्ट्रोड है ग्लास सबस्ट्रेट ग्लास सबस्ट्रेट जो है हमारा सबस्ट्रेट विथ ITO इलेक्ट्रोड है, ठीक है विथ
कॉमन इलेक्ट्रोड फिल्म, ये क्या है विद कॉमन इलेक्ट्रोड फिल्म, ठीक है, ये भी है चौथा। पांचवा जो है हमारा वो है पोलराइजिंग फिल्टर फिल्म, पोलराइजिंग फिल्टर फिल्म, ठीक है, जिसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इसमें ग्लास सबस्ट्रेट विद इलेक्ट्रोड फिल्म है, ये भी ITO ही है एक तरीके से। इसके हॉरिजॉन्टल रिजेस हैं टू लाइन अप विद द हॉरिजॉन्टल फिल्टर, जो हॉरिजॉन्टल फिल्टर है उसके साथ लाइन अप करने के लिए काम करता है। पांचवा है पोलराइजिंग फिल्टर फिल्म, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्सिस टू ब्लॉक पास लाइट, ये क्या करता है ब्लॉक और पास दी लाइट, इसका काम होता है LCD के अंदर। और छठवा जो है वो है रिफ्लेक्टिव सरफेस टू सेंड लाइट बैक टू द व्यूअर, जो लास्ट है वो है हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस टू सेंड लाइट बैक टू द व्यूअर, ठीक है। तो ये छह हमने यहाँ पर देखिए, छह हमने जो यहाँ पर अलग अलग टाइप के फिल्म्स को, ये चीजें जो हमारे एक LCD में होनी चाहिए। पहला जो है हम लोग पोलराइजिंग फिल्टर फिल्म, ये पोलराइजिंग फिल्टर फिल्म का काम फिल्टर फिल्म जो है फिल्टर सॉरी ये फिल्टर फिल्म है, फिल्टर फिल्म जो है हमारा, इसका काम होता है कि ये वर्टिकल एक्सिस क्रिएट करता है। ये क्या करता है वर्टिकल एक्सिस क्रिएट करता है और हमारा लाइट को पोलराइज करता है। ये क्या करता है पोलराइज द लाइट, पोलराइज द लाइट करने का काम करता है। दूसरा है हमारा ग्लास सबस्ट्रेट विद ITO इलेक्ट्रोड, ये जो ग्लास सबस्ट्रेट ITO इलेक्ट्रोड है ये क्या करता है किस शेप का हमारा जो इलेक्ट्रोड है किस जो शेप अपीयर होने वाला है LCD में वो इसको डिटरमाइन करता है। इसके वर्टिकल रिजेस होते हैं और जो सरफेस होता है स्मूथ होते हैं। जो थर्ड है ये है ट्विस्टेड निमेटिक क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, ये लिक्विड क्रिस्टल है। जो चौथा है वो हमारा अगेन ग्लास सबस्ट्रेट है विद कॉमन इलेक्ट्रोड है फिल्म, जिसके हॉरिजॉन्टल रिजेस हैं और ये हॉरिजॉन्टल फिल्टर को क्या करता है लाइनअप करता है। जो पांचवा है वो है पोलराइजिंग फिल्टर फिल्म, पोलराइजिंग जो फिल्टर फिल्म है ये इसका काम क्या रहता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो भी चीजें हैं उसको ब्लॉक या पास करने का काम करेगा। और जो छठवा है वो क्या है रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये रिफ्लेक्टिव क्या है रिफ्लेक्टिव सरफेस है ताकि जो भी लाइट आई है उसको वापिस भेजा जा सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द LCD, ये कि एक LCD के कंस्ट्रक्शन ऑफ LCD के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से अहम जो हमारे अलग अलग प्रकार के फिल्म्स होते हैं हम लोग उसको देख रहे हैं कि देर आर सिक्स फिल्म्स जिसके बेसिस पे हमारा LCD जो है वो प्रॉपर डिस्प्ले करता है। और एक बार फिर से अगर हम लोग देखें तो पहला है पोलराइजिंग फिल्टर फिल्म, दूसरा है ग्लास सबस्ट्रेट ITO इलेक्ट्रोड, तीसरा है ट्विस्टेड न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, चौथा है हमारा ग्लास सबस्ट्रेट विद कॉमन इलेक्ट्रोड फिल्म ITO, जो पांचवा है पोलराइजिंग फिल्टर फिल्म जो कि ब्लॉक के पास करता है लाइट को, और लास्ट से रिफ्लेक्टिव सरफेस जो आखिरी सरफेस है कि लाइट को फिर से रिटर्न बैक करने का काम हमारा यही प्रॉपर LCD का जो छठवा जो पार्ट है वो करता है। सो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट्स आर मेड। अगर हम लोग बात करें LCDs की तो LCDs जो हैं वो जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो इस टाइप का ही है, और जो टेक्नोलॉजी है उसमें स्मॉल पिक्सल्स का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं। LCDs जो होते हैं वो नॉर्मली पॉजिटिव होते हैं,
या नेगेटिव होते हैं, ये उसके पोलराइजर अरेंजमेंट के ऊपर रहता है। जैसे कि अगर एक करेक्टर पॉजिटिव एलसीडी की बात करें तो विल ब्लैक लाइट जो है उसकी ब्लैक लेटरिंग होगी ऑन द बैकग्राउंड, दैट इज द कलर ऑफ द बैक लाइट एंड अ करेक्टर। नेगेटिव एलसीडी जो होते हैं विल हैव अ ब्लैक बैकग्राउंड विद लेटर्स बीइंग ऑन द सेम कलर्स ऑफ द ब्लैक। तो ये डिफरेंस है हमारा, अगर हम लोग कैरेक्टर पॉजिटिव एलसीडी की बात करें या कैरेक्टर नेगेटिव एलसीडी की बात करें, तो कैरेक्टर पॉजिटिव एलसीडी केस में ब्लैक लेटरिंग होगा बैकग्राउंड में और इसमें वही कलर होगा जो कि सामने में था नेगेटिव में। सो ये है, इसमें ऑप्टिकल फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है to white on blue LCDs to give their characteristics में characteristic appearance के लिए हम लोग optical filters का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये था हमारा construction of LCD। in the next हम लोग इसके LCD के applications और इसके advantages disadvantages और क्या क्या screens नए आए हैं और क्या replacement हुआ है इसके बारे में और detail में study करेंगे in the next lecture। till then thank you।